हाय गाइस, वेलकम टू मलिकास किचन। आज मैं राइस पेपर रोल बनाने जा रही हूँ, जो बहुत आसानी से बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल ऐड किया है मैंने फ्राई करने के लिए। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें चिकन सीख कबाब। मैंने ग्रीन चिक का सीख कबाब यूज़ किया हुआ है रेडीमेड, और मैंने 3 सीख कबाब लिए हैं। उसको बीच में से ऐसे कट करूँगी, आप देख रहे हैं, 1 सीख कबाब के 4 पीसेस करूँगी। और हम ये जो सीख कबाब है, ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, इसमें हल्का सा डाल के 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए करके हम निकाल देंगे। बिकॉज़ ज़्यादा हम अगर इसको कुक करेंगे ऑयल में तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा और राइस पेपर रोल में अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्राई कर लिया है, बस इतना ही करना है और हम इसको निकाल के साइड में रखेंगे। तो चलिए अब रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने रियल थाई का रेडीमेड राइस पेपर रोल लिया है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। और मैंने एक प्लेट पे पानी लिया है, उस पानी में इस शीट को डिप करूँगी मैं, आप देख रहे हैं, सेम ऐसे ही करना है आपने। और अब मैं इसको निकाल दूँगी पानी से और ये प्लेट हटा के इसको नीचे रख देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सीख कबाब, येलो कैप्सिकम डालूँगी मैं, ग्रीन कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम। आप चाहें तो कोई भी आप वेजिस डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं थोड़ा सा अनियंस डालूँगी इसमें। और मैंने रियल थाई का स्वीट एंड चिली सॉस लिया है 1 टीस्पून। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैगी का हॉट एंड स्वीट सॉस 1 टीस्पून। आप चाहें तो कोई भी सॉस डाल सकते हैं आपको जो पसंद है, मुझे ये सॉस बहुत अच्छा लगता है, तो मोस्टली मेरे सारे खानों में यही वाला सॉस यूज़ होता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दही भी यूज़ कर सकते हैं। और लेटिस लीव डालूँगी और थोड़ा सा और ऊपर से सॉस डाल दूँगी। और मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी जैसे आप देख रहे हैं। ये थोड़ा स्टिकी होता है तो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा देख के कर लीजिएगा क्योंकि स्टिकी होता है ये बहुत ज़्यादा। तो ऐसे रोल करना है आपने जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रेडी हो गया, तो चलिए बाकी के भी ऐसे रेडी कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। अगर आप वेजिटेरियन हैं और नॉन वेज नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पनीर ले लीजिएगा। एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल लीजिएगा और पनीर और ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के सॉटे कर लीजिएगा और सेम इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। आप इसमें चाहें तो ग्रीन एप्पल, पाइन एप्पल और कुकुम्बर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। मैंने तो कैप्सिकम वगैरह डाला है, अगर किसी को कैप्सिकम वगैरह नहीं पसंद तो आपको जो वेजिस पसंद है इसके अंदर डाल के ऐसे रोल बना लीजिएगा। तो हमारे रोल रेडी हैं, तो आप देख सकते हैं रेडी हो गया राइस पेपर रोल। अगर आप ओरिगैनो नहीं खाते हैं तो आप हल्का सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल सकते हैं। तो देखा आपने, हमारे सारे राइस पेपर रोल रेडी हो गए हैं। ये राइस पेपर रोल बनाना कितना आसान है आपने तो देखा ही है, तो आप भी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।